हेलो दोस्तों कैसे हैं आप अगर आप टीचर संबंधी टीचर वैकेंसी या भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं या इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए खबर बहुत अच्छी हो सकती है आप लोग इस खबर को अंत तक देखें अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि सरकार क्या करने जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव जी हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार सभी आयोगों को मिला एक आयोग बनाना चाहती है जो आयोग निष्पक्ष और इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा करे और यह इस आयोग का नाम रहेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपी एडुकेशन सर्विस कमीशन एक सर्विस कमीशन बनाने जा रही है जिसके माध्यम से नए टीचरों को वैकेंसी हो सके इस नए टीचरों में आप लोग उच्चतर शिक्षा माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा ये तीनों आयोगों के लिए पहले अलग अलग आयोग थे पहले क्या होता था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता था जिसमें इंटर कॉलेजों में भर्ती होती थी उसके माध्यम से फिर उच्चतर शिक्षा के लिए होती थी और प्राथमिक के लिए अलग आयोग होता था तो तीनों आयोग अलग अलग थे लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है हमारी योगी सरकार ने योगी जी ने एक ऐसा आदेश पारित किया जिसका प्ररूप मैं आपको पी फाइल में बनाऊँगा बताऊँगा देखिएगा कैसे है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप पी फाइल में जाके आदेश आ चुका है उसके प्रारूप का आप उसे पढ़ सकते हैं कि उसमें नियम क्या है क्या रूल बुक है किन किन क्लासों की भर्ती होगी इस सारी चीज़ पे आप डिस्कस करेंगे अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाला बटन दबा दें बेल आइकन को हिट कर दें जैसे कोई भी अपडेट आए तो मैं आप तक तो को जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिल जाए तो आइए शुरू करते हैं पी डी के माध्यम पूरी जानकारी आपको दूंगा कि तीनों आयोगों को कैसे सरकार एक आयोग बनाना बनाना चाहती है और यह आयोग कैसे काम करेगा जिस आयोग का नाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन शिक्षा सेवा आयोग रखा गया है यूपी एडुकेशन सर्विस कमीशन जो आने वाली भविष्य में भर्तियों का क्रियान्वयन करेगा तो ये तो हमारी न्यूज है जो आपको पता चली गई होगी अब इसमें अगर देखेंगे तो हम लोग के पास इससे से रिलेटेड इस एक पीडीएफ भी सरकार ने अपना इशू कर दिया गया है सरकार के माध्यम से देखिए ये पीडीएफ फाइल है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से जाके आप लोग इसे डाउनलोड करके पूरा इसका पढ़ सकते हैं देखिए इसमें क्या लिखा गया है इस चीज़ को अगर हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग या उत्तर मा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को सम्मिलित प्ररप यानी उच्चतर माध्यमिक और प्राथमिक तीनों आयोगों को मिला के यूपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन से एक नया आयोग बनाया है जिसमें इस आयोग में राज्य सरकार जितने भी भविष्य में होने वाली टीचर की भर्तियां हैं वह कंडक्ट कराई जा सकती हैं और इससे एक फ़ायदा यह होगा कि पारदर्शिता और जो टाइम टेकिंग होता था एग्जाम में टाइम टेकिंग एक एग्ज़ाम 2011 का रिजल्ट 19 में आ रहा है 2019 में पहला और दूसरा कि तीन तीन साल तक तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही तो ये क्लियर कट योगी सरकार ख़त्म करने चाह रही है और आने वाले भविष्य में आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का मार्ग खुलने वाला है जिसमें आप अगर टीचर बनना चाहते हैं अगर टीचर संबंधी कोई भी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएँ जिससे भविष्य में आपको कोई भी न्यूज हो तो मैं बताऊँ आइए इस कंप्लीट न्यूज़ पर बात करते हैं कि शीर्षक देखिए क्या लिखा है नया आयोग उच्चर उत्तर प्रदेश सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा तो इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग भी कहा जा सकता है यानी ये केवल यूपी के क्लास में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर तक भर्ती करेगा सेवाएं इस आयोग द्वारा इस आयोग द्वारा चयनित की जाने वाली सेवाएं सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी और जिसकी नियुक्ति तीन श्रेणियां श्रेणियां होगी जिनकी मुख्यतः तीन श्रेणियों में होगा क वर्ग की सेवाएं ख वर्ग की सेवाएं और ग और देखिए क वर्ग की में उच्चतर डिग्री कॉलेजों में आप जाएंगे और ख वर्ग में माध्यमिक शिक्षा प्रचार प्रवक्ता एवं एल टी ग्रेड एल टी ग्रेड की भी भर्ती अब लोक सेवा आयोग नहीं कराएगा अब एल टी ग्रेड की भर्ती आप लोग को बता देना चाहता हूं जो नया आयोग का गठन हुआ है वही करेगा यानी एल टी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित सेवाएं भी यही आयोग करेगा और ग ग वर्ग में प्राथमिक शिक्षा को रखा गया जिसमें सहायक अध्यापकों की भर्ती भी करेगा यानी ए आयोग तीनों सेवाएं करेगा आप लोग इसको देख लीजिए ए आयोग तीनों सेवाओं की भर्ती करेगा क कर इसमें जिसमें क वर्ग और ख वर्ग और ग वर्ग जिसमें आप लोग उच्चतर प्राइमरी और एल्टी ग्रेड माध्यमिक देख सकते हैं अब चैप्टर द्वितीय हम देखिए प्राथमिक शिक्षा सेवाएँ आयोग के घटक इस आयोग में क्या होंगे इस आयोग में का तात्पर्य है अध्यक्ष चौदह सदस्य एक अध्यक्ष होगा चौदह सदस्य होगा इसकी अह्यताएँ इनकी एलिजिबिलिटी आयोग के अध्यक्ष की दी गई हैं अब बहुत जर्द ही दी गई है क्या होगा अधिकतम पैंसठ वर्ष तक होना चाहिए और सदस्यों की आयु चौदह सदस्य होंगे जिनमें आठ से छः सदस्य होंगे और एक से आठ सदस मा, सदस्यों की अर्था मानक मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उन्नीस सौ अच्छी के निर्धारित योग्यता के अनुसार होगा बेसिकली यह सदस्यों के है आप इसको पी फाइल में लिंक में नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ से आप दे सकते हैं अब देखिए नीचे अगर जैसे चलें आयोग का संचालन आयोग के संचालन के लिए सचिव भी होंगे यहाँ पे और उनका कार्यकाल पाँच होती है और सचिव का कार्य भी दिया गया है यहाँ पे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के संप्रतित सचिव सम्बन्धित समित कार्य होंगे साथ ही साथ आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के उचित क्रियान्वयन में सरकार एवं आयोग के बीच समन्वय का भी उत्तरदायी सचिव का होगा इनके कार्य को दिखाया गया है और परीक्षा नियंत्रक के भी इसमें पूरी नियुक्ति मतलब एक कंप्लीट आयोग बनाया जा रहा है जिसमें सचिव परीक्षा नियंत्रक और सदस्यों की नियुक्ति होगी जो पूरे पारदर्शिता तरीके से काम करेगी इसके तो निष्पक्ष है तो आने वाले समय में मैं सरकार भर्ती करने के मूड में आप लोग निश्चिंत रहें भर्ती होगी और आने वाले समय में जैसे ही कोई विज्ञापन आता है हम उसका विज्ञापन लाएँगे अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिससे कि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आपको तुरंत मिल जाए ठीक अब आइए देखते हैं अब इसमें सेवाएं बांटी गई हैं कि क वर्ग में क्या हो क वर्ग हायर के लिए है सिंपली आप लोग समझ लीजिए इसके लिए जैसे कि विषय के अंक अंक निर्धारित किए गए हैं साक्षात के सामान्य ज्ञान तीस अंक के और सत्तर अंक और तीस अंक के वो इंटरव्यू के लिए दिया गया है अब ख वर्ग जो इम्पोर्टेंट है जिसमें बी एड वर्ग वगैरह के लिए होंगे ख वर्ग मुख्य सेवाएं संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा और संस्कार एवं निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट निर्धारित होगा यही अभ्यर्थी यदि प्रतिष्ठित स्नातक एवं राज्य सरकार सरकार द्वारा अन्य एल्टी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वह पद के लिए भी लिखित परीक्षा कार्य होंगे देखिए एल्टी उल्टी ग्रेड की जो परीक्षाएं होंगी एल टी ग्रेड की विज्ञापन अब यू पी एस सी यू पी पी एस सी नहीं कराएगी अब यही जो नया आयोग है भविष्य में इसे ही कंडक्ट कराएगा क्योंकि यू पी एल्टी ग्रेड की पता ही चला है कि कितने बड़े धांधली का शिकार हो गई है भर्ती और इसमें पेपर आउट होने वाले जितने मामले उसी को लेकर सरकार ने यह कदम उठाया है और ख वर्ग में आपको जो पहले होते थे पी एन पी के थ्रू अब वो भर्ती भी यही कराएगी इसमें सीई टी और टी ई टी के एक बड़ा चार अंगी मेरिट निर्धारित किया जाएगा इसमें चयन की प्रक्रिया है आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा जिसको देख के आपको क्योंकि कम्प्लीटली रूप से यही विज्ञापन आपके सामने है जिसे मैं जैसे ही सरकार ने आज ही से जारी किया मैं आपके सामने अपडेट कर दे रहा हूँ आप लोग इसको जाके इसे पढ़िए और इसमें देखिए चयन प्रक्रिया क्या है और आप तो निश्चिंत रहें क्योंकि भविष्य में एक बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है इस आयोग से क्योंकि आयोग का गठन होगा और साथ ही साथ नए विज्ञापन जो सीट खाली चली गई है उस पर विज्ञापन किया जाएगा लगभग मुझे जो जानकारी मिल रही है टी जी टी और टी जी टी और पी जी टी की भी विज्ञापन आने वाले हैं अध्याचन करीब करीब तेरह हजार पोस्टें खाली हैं मुझे जहाँ चाह है और आप लोगों को भविष्य में अगर एल टी ग्रेड क्लियर हो जाती है तो एक साल या अगले साल एल टी ग्रेड भी क्योंकि एल टी ग्रेड की भी पोस्टें करीब करीब सोलह हज़ार पद खाली हैं जिसमें से दस हज़ार पर भी वैकेंसी चल रही है लगभग ग्यारह हज़ार पर बाकी छः हज़ार तो बचे हैं तो यानी आपको एल टी ग्रेड में छः हज़ार पद देखने को सहयोग से मिल सकते हैं तो आप लोग अभी इस तैयारी जुड़ जाएं और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पर विश्वास करने के लिए इतना बड़ा प्यार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के कमेंटों का रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूं इसके लिए मैं सॉरी क्योंकि अधिक से अधिक मैं देने का प्रयास करता हूं क्योंकि इतने ज़्यादा पहले कमेंट कम आते थे अब तो ज़्यादा आने लगे हैं तो इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा कॉमेंटों पर मैं रिप्लाई करता हूँ अगर नहीं छूट जाता तो अगले दिन प्रयास करता हूँ अगर किसी को छूट जाए तो बुरा ना माने मैं ज़रूर ही उस पर कोई वीडियो ज़रूर बनाऊँगा अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आपको मैं कॉमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस आयोग के लिए क्या अगर प्रावधान है कैसे क्या अगर सजेशन देना चाहें तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ओके थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं तक का वीडियो है ओके थैंक्स यू वंस अगेन